हेलो बच्चों वेलकम टू द चैनल पिछली दो वीडियोस में मैंने आपको लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में समझाया था आज उसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ नोट्स मैंने प्रिपेयर किए हैं आप लोगों के लिए आई होप आप लोगों को चैप्टर समझने में इससे और ज़्यादा हेल्प मिलेगी तो चलिए देखते हैं क्या क्या है फर्स्ट हैं कुछ डेफिनेशनस इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी मैंने टॉपिक्स आपको एक्सप्लेन किए थे सबसे पहले है एनवायरमेंट एवरीथिंग दैट सराउंड्स अस इज़ नोन एज एनवायरमेंट एनवायरमेंट क्या होता है जो भी हमारे चारों तरफ है जो भी हमें चारों तरफ से घेरता है वो सब एनवायरमेंट है सेकेंड इज स्टोमेटा टाइनी होल्स ऑन द लीव्स यूज बाय प्लांट्स फॉर ब्रीदिंग आर नोन एज स्टोमेटा जो टाइनी होल्स होते हैं लीव्स के ऊपर जो कि प्लांट्स यूज करते हैं ब्रीद करने के लिए सांस लेने के लिए उन टाइनी होल्स को स्टोमेटा कहते हैं देन रिप्रोडक्शन प्रोड्यूसिंग मोर ऑफ देयर ओन काइंड बाय द लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन जो भी लिविंग थिंग्स होती हैं उनके द्वारा अपने ही जैसे और लिविंग बींग्स को जन्म देना रिप्रोडक्शन कहलाता है ठीक है तो रिप्रोडक्शन क्या होता है जब लिविंग थिंग्स अपने ही जैसे और आ, लिविंग थिंग्स को बर्थ देती हैं जन्म देती हैं तो वो प्रोसेस रिप्रोडक्शन होता है देन एक्सटर्नल मूवमेंट एक्सटर्नल मूवमेंट्स मीन गोइंग हेयर एंड देयर इन सर्च ऑफ फूड वाटर एंड टू स्केप फ्रॉम एनिमीज एक्सटर्नल मूवमेंट का मतलब क्या होता है लिविंग थिंग्स जब खाना ढूंढने के लिए पानी ढूंढने के लिए या अपने एनिमीज से बचने के लिए इधर उधर हेयर एंड देयर इधर उधर घूमते हैं तो उसको एक्सटर्नल मूवमेंट्स कहते हैं देन इंटरनल मूवमेंट्स इंटरनल मूवमेंट्स मीन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ़ूड वाटर एंड ब्लड फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर इनसाइड द बॉडी इंटरनल मूवमेंट्स का मतलब होता है बॉडी के अंदर ही फूड वाटर और ब्लड का एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जाना ठीक है जब हमारी बॉडी के अंदर खाना पानी या ब्लड एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जाते हैं तो उसको इंटरनल मूवमेंट कहा जाता है इसके बाद है डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंशिएट बिटवीन का मतलब है कि नहीं दो चीज़ों के बीच में अंतर बताना ठीक है तो यहाँ पहले हम देखेंगे नेचुरल थिंग्स और मैन मेड थिंग्स के बीच में क्या अंतर होता है थिंग्स गिवन टू अस बाय नेचर आर कॉल्ड नेचुरल थिंग्स जो चीज़ें हमें नेचर ने दी हैं मतलब प्रकृति ने दी है उन्हें हम नेचुरल थिंग्स कहते हैं थिंग्स मेड बाय मैन आर कॉल्ड मैन मेड थिंग्स और जो चीज़ें इंसान ने बनाई हैं उन्हें हम मैन मेड थिंग्स कहते हैं दीज आर बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग जो नेचुरल थिंग्स होती हैं वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों हो सकती हैं बट जो मैन मेड थिंग्स हैं वो केवल नॉन लिविंग होती हैं इसके एग्जाम्पल हैं सॉइल वाटर प्लांट्स एंड एनिमल्स तो सॉइल एंड वाटर नॉन लिविंग थिंग्स हैं नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स नेचुरल लिविंग थिंग्स के एग्जाम्पल हैं इसके एग्जाम्पल हैं बुक्स टॉयज मशीन्स एक्सेट्रा ना सेकेंड इम्पोर्टेंट डिफ्रेंशिएट है लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में जिसके ऊपर की हमारा सारे एक्सप्लेशन बेस्ड था कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिंग थिंग्स के बीच में क्या अंतर होता है लिविंग थिंग्स दे ब्रीथ वो सांस लेती हैं ठीक लिविंग थिंग्स को जिंदा रहने के लिए सांस लेने की जरूरत होती है और जिसके लिए उन्हें हवा की ज़रूरत होती है नॉन लिविंग थिंग्स दे डू नॉट ब्रीथ नॉन लिविंग थिंग्स सांस नहीं लेती हैं देन दे ईट फूड लिविंग थिंग्स को ग्रो करने के लिए वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है इसलिए उन्हें खाना खाना पड़ता है सो दे ईट फूड जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो खाना खाते हैं दे डू नॉट ईट फूड लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स खाना नहीं खाते हैं क्योंकि ना उन्हें ग्रो करना है ना उन्हें कोई वर्क करना है इसलिए ना तो उन्हें एनर्जी की जरूरत है तो उनको खाने की ज़रूरत भी नहीं होती है दे कैन फील जो लिविंग थिंग्स हैं वो फील कर सकती हैं अपने फाइव सेंस ऑर्गन्स की हेल्प से दे कैन नॉट फील इन्हें कोई भी चीज़ महसूस नहीं होती है जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उन्हें कोई भी सर्दी गर्मी या मीठा टेस्ट कोई भी किसी भी तरह के सेंस उनको फील नहीं होते हैं देन दे रिप्रोड्यूस जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो रिप्रोड्यूस करती हैं नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट रिप्रोड्यूस दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस मतलब ये रिप्रोड्यूस नहीं करती हैं देन लिविंग थिंग्स मूव अब जब हम ये इस तरह से डिफ्रेंशिएट लिखते हैं तो हमें बार बार यहाँ पर लिविंग थिंग्स लिविंग थिंग्स लिविंग थिंग्स या यहाँ पर नॉन लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है इसलिए हमने यहाँ पर सब जगह दे वर्ड का यूज़ किया है ठीक है दे मूव लिविंग थिंग्स जो है वो मूव करती हैं दे कैन नॉट मूव नॉन लिविंग थिंग्स मूव नहीं करती दे थ्रो आउट वेस्ट मैटर जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो अपने बॉडी से अनवांटेड मैटर या जो वेस्ट मैटर होता है उसको बाहर फेंकती हैं या बाहर निकालती हैं दे डू नॉट थ्रो आउट वेस्ट मैटर ये अपनी बॉडी से कोई वेस्ट मैटर बाहर नहीं निकालते जब ये खाना ही नहीं खाते तो इनके अंदर कोई वेस्ट मैटर भी नहीं होता है दे ग्रो एंड डाई जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो ग्रो करती हैं बड़ी होती हैं उसके बाद वो मर जाती हैं कोई भी लिविंग थिंग्स हो चाहे एनिमल हो चाहे प्लांट हो चाहे ह्यूमन बींग्स हों सब पहले छोटे होते हैं फिर ग्रो करते हैं बड़े होते हैं और फिर मर जाते हैं दे डू नॉट ग्रो एंड डाई अब क्योंकि जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनके अंदर तो जान नहीं होती है इसलिए ना वो ग्रो होते हैं और ना ही वो मरते हैं इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ हमने जो भी पिछले दो वीडियोज़ में जो भी हम लोगों ने टॉपिक्स डिस्कस किए थे उनके बेसिस पे ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जिनमें हमें एग्जाम्पल्स देने हैं टू ठीक है गिव टू एग्ज़ाम्पल्स मीन्स टू एग्जाम्पल्स देने हैं फर्स्ट वन इज़ टू नॉन लिविंग थिंग्स टू नॉन लिविंग थिंग्स के एग्जाम्पल हुए बॉल एंड बस और भी हो सकते हैं बहुत हो सकते हैं नॉन लिविंग थिंग्स तो हमारे चारों तरफ जो भी मैन मेड थिंग्स हैं वो सब नॉन लिविंग थिंग्स हैं तो मैंने यहाँ केवल दो ही एग्ज़ाम्पल लिखे हैं आप कोई और दूसरे एग्जाम्पल्स भी लिख सकते हैं चेयर है टेबल है बुक है लंच बॉक्स है पेंसिल बॉक्स है सारी चीज़ें जो घर में होती हैं जो इंसान बनाता है वो सब नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं सेकेंड इज़ टू नेचुरल लिविंग थिंग्स नेचुरल भी हों और लिविंग भी हों ऐसी टू थिंग्स के एग्जाम्पल हमें बताने हैं तो सबसे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स ये लिविंग भी हैं और ये नेचुरल भी हैं ठीक है देन नेक्स्ट इज़ टू नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स नेचुरल भी हों और नॉन लिविंग भी हों तो वो हुए सन एंड सॉयल और क्या हो सकते हैं माउंटेंस हो सकते हैं रॉक्स हो सकते हैं ठीक है देन टू मैन मेड थिंग्स इसमें भी हम कुछ भी चीज़ें जो इंसान बनाता है वो लिख सकते हैं मैंने यहाँ दो एग्जाम्पल दिए हैं मशीन्स एंड टॉयज इसके अलावा और भी चीज़ें जो भी हम यूज़ करते हैं जो इंसानों ने बनाई है उसको हम यहाँ एग्ज़ाम्पल में लिख सकते हैं नाउ टू सेंस ऑर्गन्स टू सेंस ऑर्गन्स के एग्ज़ाम्पल फाइव सेंस ऑर्गन्स हैं कोई भी टू आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं फाइव कौन कौन से हैं आइज़ नोज ईयर्स टंग एंड स्किन तो इन पाँच में से कोई भी टू एग्ज़ाम्पल्स आप लिख सकते हैं टू एग लेइंग एनिमल्स ऐसे दो एनिमल्स के एग्जाम्पल जो कि एग ले करते हैं मतलब अंडे देते हैं तो इसमें भी हैन है डक है स्नेक है ठीक है तो आप कोई भी दो एग्जांपल्स लिख सकते हैं मैंने यहाँ स्नेक और हैन लिखे हैं टू वेस्ट मटेरियल फाउंड इनसाइड आवर बॉडी ऐसे दो वेस्ट मटेरियल्स जो कि हमारी बॉडी में होते हैं या किसी भी लिविंग थिंग की बॉडी में होते हैं और वो उसको थ्रो आउट करते हैं तो यूरिन है देन स्वेट है ठीक है और भी होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड मैंने आपको बताया था और जो सॉलिड वेस्ट होता है जो हम खाना खाते हैं और डाइजेस्ट नहीं होता है वो भी एक तरह से वेस्ट होता है जिसको कि लिविंग थिंग्स बाहर निकालते हैं ठीक है तो ये जो भी टॉपिक दो दिन में हम लोगों ने डिस्कस किए थे उस पर बेस्ड कुछ नोट्स थे आई होप ये आपको हेल्प करेंगे ठीक है तो आप इनको चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं और इनको प्रिपेयर भी कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे तब तक के लिए बाय बाय अपना ध्यान रखिएगा